अच्छा अभी आप, मैं किसी से इंटरव्यू ले रहा था तो आप कह रहे थे अभी नवाज शरीफ चोर है, इन्होंने इन्होंने मुल्क को जो है वो बहुत खाया है, तो नवाज शरीफ किस तरह से चोर है? चोर तुसी ये देखो, तुसी काम करते हो ना, प्रेस वाले हो ना, ये देखो ताड़ी सैलरी है, तुसी नहीं बिल्डिंगा बना सके। मैं दुबई च रहना वा, ठीक है, दुबई दे विच शारजा दे विच नासरिया दे विच इहदियां तीन बिल्डिंगा ने, सफाई वाले कन्नू भी पाकिस्तानी नहीं रखते, इंडियन मलवारी इंडियन रखे, शाह जरदारी जिहड़ा इहदे दुबई दे विच कारखाने ने पैकिंग सब्जी यानी कि हर एक्सपोर्ट का काम करता, उहदे च इंडियन बंगाली नेपाली और पाकिस्तानी बाहरों अगों की कोई नंघदा थुक भी कर जे अगे तो उन्होंने 200 फैन जुर्माना है गवर्नमेंट वहाँ पे काम करते रहे। हाँ लेबर कुली का वीज़ा सी मेरा भाई, उत्थे लेबर च काम कर देंगे असी। आपने खुद देखा कि पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पाकिस्तानी रखे नहीं इन्होंने भाई, अपने कारोबार के विच इन्होंने रखे नहीं, इन्होंने नहीं रखे अपना, उत्थे इन्हां दी जायदादां तुहाडी सोच भी नहीं गी, समझा तुहाडी सोच भी नहीं गी, इन्ना को इन्ना पैसा वा ना कि इन्हों की सत्त नस्ल पैसे के उत्ते सो के डेली भी ऐम वंडन ना पूरे मुल्क च, लोग वंडन ता भी नहीं मुकना इन्ना पैसा। नहीं क्या वजह, हालांकि इसी मुल्क के अंदर ही, इसी मुल्क के अंदर ही वज़ीर आज़म रहे हैं, आपके मुताबिक इसी मुल्क के लोगों के, लोगों के साथ ये नफरत भी करते हैं? हूँ एक वालद साहब फौत हो जाए ना बंदे का, तो चार मिटे हो तो वो लख रुपया वो सिर करजा हो तो वो नहीं दे होंदा छेती के दे होंदा नहीं दे होंदा ना, मुश्किल हो जाता एक मुल्क के हालात खराब करके तेरे गल पा देने, जिदन इमरान खान आया उदन की सीगा खजाने जे उदन की सीगा सब ने वेख्या सीगा कुछ भी नहीं, जिदन गया उदन की सी ते हुण की आ यार, मजदूर आदमी मरण दिया वा कोई किसी चीज़ का एहसास ही नहीं उन्होंने, आ बजुर्ग ने की कर रहे हैं, इन्हों की उम्र इस टाइम बैठ के खान दी है, वो अपने बच्चों का काम कर रहे हैं, वो अभी भी नून लीग का सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना सपोर्ट, वो एक नून लीग को नहीं कर रहे, वो के इधर के जो बेसिकली होते हैं ना, जो बेसिकली इधर के MNA MP है उनकी तरफ देख के जाना पड़ता है, और दिल से कोई भी राजी नहीं है, अगर दिल से कोई राजी होता तो ये इलेक्शन हुआ है, मुल्तान भी हुआ, हर जगह हुआ है, हैं ठीक है ना, कितनी कितनी लीड से जीता है वो, 40-40 हज़ार वोट से जीता है वो, 20-20 हज़ार वोट से जीता है, 10 हज़ार वोट से जीता है, सब ने देखा ना रिजल्ट, अभी वो राणा सनाउल्ला वो क्या कह रहा है भी मैं किसी को आगे नहीं जाने दूंगा, देखूंगा ये क्या कर, और तू क्या कर लेगा उसका, अब तो उसकी वैसे ही हुकूमत खत्म हो गई है, अब तो पंजाब में अगर चाहें तो इमरान खान है जितने मर्जी धरने लेके जा सकता है, इस्लामाबाद को रोकने वाला ही नहीं उसको, जिस तरह आवाम इमरान खान लगी है ना, इनू माड़ा जहा भी कुछ हो गया ना तो मुल्क तबाही आली है ताडा, किसी ने नहीं बचा इन्हू, इनू किसी ने नहीं बचा, समझ आई, एक बंदा साफ सुथरा आया वा उन्हें मौका दो, ये शायद सुधर जे, ना सुधरिया तो फिर ताड़े, जो वो ताड़े ना करन दा कल वो दे ना भी वही कुछ होएगा, मौका आप जैसे भाइयों ने देना है, देन दे शुक्र अल्लाह गवर्नमेंट आ गई है इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म, जो पूरे पाकिस्तान बंदे वास्ते चंड जड़ी है ना आना, लाहौर जड़ा वा नवाज शरीफ गंजियां दा जड़ा ना पिंड शहर उन्हां दा यानी कि होल्ड आ, उत्थों तीन सीटां कढ गई PTI, गैरतमंद होवे ते आई चीज़ बड़ी है भाई, समझा सीधी जड़ी गल, हुण देखो ना तीन सीटां कढ गया उहदे हलके च, तीन सीटा वो घर के हूँ, मेरे घर के कोई मेरे भैन भरा का माँ प्यो का ताए चाचा का कोई वोट लै जाए तो फिर मेरे लिए नमोशी है ना, ये गलत गल है, दुख तो होता है, अफसोस मेरे पिंड च 52 के मेरा पिंड आ, उस पिंड च पहली बारी वोट यदि कोई 170-180 वोट निकली बल्ले की, ठीक है, तो मुड़ के शुक्र अलहमदुल्ला अज पूरा पिंड PTI का वा,